हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का फिल्म्स क्रैश कोर्स चल रहा है, एपिसोड 14 है ये। एपिसोड 14 में हम वैदिक एज कंप्लीट करने वाले हैं। अर्ली वैदिक एज मैं पढ़ा चुका हूँ, लेटर वैदिक एज की कल मैंने ज्योग्राफी और सोसाइटी आपको बताई थी। इसमें मैं आपको रिलीजन और इकोनॉमी बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे सभी एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट सीरीज़ फॉर्मेट में कोर्सेज आते हैं बहुत ही चीप रेट में। डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और दिए गए नंबर पे भी कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। लेटर वैदिक एज, मैंने आपको बताया था किस तरीके से लेटर वैदिक एज में वर्णा डिस्टिंक्शंस बढ़ते चले गए। हालांकि इतने रिजिड नहीं थे, लेकिन ब्राह्मणास की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई। अगर हम रिलीजन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्र वरुण अग्नि सुप्रीम थे, लेकिन इंद्र वरुण अग्नि अब बैकग्राउंड में चले गए। लेटर वैदिक एज में जिन गॉड्स की प्रोमिनेंस बढ़ी, महत्वाकांक्षाएँ बढ़ी, वे थे प्रजापति, विष्णु और रुद्र। प्रजापति को ब्रह्मांड का निर्माता भी माना जाता है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। इनको बाद में ब्रह्मा बोला गया, जो ब्रह्मा जी आप कहते हैं जिन्हें। विष्णु आप सब जानते हैं, विष्णु जो थे वो आर्यंस के पेट्रॉन गॉड थे। वैसे इंद्र थे अर्ली वैदिक एज में, लेकिन अब विष्णु जो है उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई। रुद्र ये गॉड ऑफ एनिमल्स थे, बाद में इनको शिव नाम से या महेश नाम से पहचाना गया। तो प्रजापति, विष्णु और रुद्र ये इम्पोर्टेंस थे। जैसे अर्ली वैदिक एज में इंद्र, वरुण और अग्नि थे और इंद्र सबसे सुप्रीम थे, वैसे इसमें प्रजापति, विष्णु और रुद्र है और प्रजापति सबसे सुप्रीम है। पूषण भगवान भी थे, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में तो कैटल की प्रोटेक्शन करते थे, लेकिन अब वो शुद्रास के गॉड बन गए। तो ये डिस्टिंक्शन आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पूषण पहले डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स थे उनकी रक्षाएँ करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उस टाइम कैटल या जिसमें मेनली काउज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और वेल्थ काउज में ही देखी जाती थी। तो जैसे धन की हमारी जो माँ है वे माँ लक्ष्मी है, वैसे कैटल की उस टाइम पे अगर आप मानो तो गॉड पूषण थे। लेकिन जैसे जैसे लैंड की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई लेटर वैदिक एज में, वैसे वैसे ये जो पूषण थे वे शुद्रास के गॉड होते चले गए। अगर मैं वैरायटीज़ की बात करूँ सेक्रीफाइसेस की, तो आप ये देखेंगे कि अर्ली वैदिक एज में पहले सिंपल सेक्रीफाइसेस होते थे, लघु यजनास जिनको बोलते हैं, लेकिन लेटर वैदिक एज में ये महायजना भी होने लग गए। पहले सिर्फ सिंपल सेरेमोनियल सेक्रीफाइसेस होते थे जिनमें घी वगैरह छड़ता था, लेकिन अब महायजना होने लग गए जिसमें तरह तरह के यज्ञ होते थे। राजसूया शोर के लिए माफ़ी चाहता हूँ, चार तरह के महायज्ञ निकल के आए, राजसूया यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और अग्निस्टोमा यज्ञ। अश्वमेध आप सब जानते हैं, अगर आपने रामायण देखी होंगी, जिसमें अश्वमेध जो घोड़ा होता है उसको छोड़ दिया जाता है पूरे राज्य में और उसको खुला ही छोड़ा जाता है, और जो कोई भी रोकने का प्रयास करता है इसका मतलब वो उस राजा को चैलेंज कर रहा है। तो उस घोड़े को पूरे राज्य में अनहिंडर्ड तरीके से दौड़ के आना पड़ता है और कोई भी उसको रोकने की कोशिश नहीं करता, अर्थात उसको रोकने की कोशिश मतलब सीधे राजा को चुनौती देना, इसलिए कोई भी उसको चुनौती नहीं देता था। ऐसे राजसूया होता था, वाजपेय होता था और अग्निस्टोमा होता था। अग्निस्टोमा में जो मुझे याद नहीं आ रहा, जो सेक्रीफाइसेस एनिमल्स के दिए जाते थे और सोमरस कंज्यूम किया जाता था। वैदिक पीरियड ख़त्म होते होते एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शुरू हो गया जो रिचुअल्स और कल्ट्स थे उनके अगेंस्ट। मैंने कहा कि अर्ली वैदिक एज में जब लेटर वैदिक पीरियड आया, जब अर्ली वैदिक पीरियड ख़त्म हुआ, तो कॉम्प्लेक्स यज्ञ शुरू होने लग गए जिनमें मंत्र श्लोक वगैरह की इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही चाहिए जो इनमें अनुभवी हो, और उनके लिए ब्राह्मणा से ऊपर कोई भी नहीं था। तो ब्राह्मणास की जब इम्पोर्टेंस बढ़ी तो यहाँ पे उनके अगेंस्ट भी रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया, और वे हमें मिलता है उपनिषद में। उपनिषद की मैं बात ऑलरेडी वैदिक लिटरेचर में कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चार तरह के वैदिक इम्पोर्टेंट बहुत अर्ली वैदिक के टेक्स्ट होते हैं। एक तो संहिता, जिनको आप वेदास भी कहते हो, उपनिषद
फिर आते हैं ब्राह्मणास, फिर आते हैं उपनिषद, फिर अर्यंकास। ब्राह्मणास मैं आपको बता चुका था, जो हर वेदा के एंड में एक ब्राह्मणा होता है, और उपनिषद जो होते हैं उनको वेदांता भी कहते हैं क्योंकि वो हर वेद के अंत में आते हैं। और अर्यंकास जो होते हैं वो इसलिए कहते हैं अरण्य मतलब फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में ऋषि मुनि थे वो लिखते थे। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने चार टेक्स्ट आपको बताए थे मेजर, इनमें उपनिषद भी मैंने आपको बोला था। तो उपनिषद में ही यहाँ पर हमको दिखाते हैं किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चालू हो गया था। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो लैंड जो है, अच्छा यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया, हेड है, HAD, ठीक है, वर्ब होएगी यहाँ पे। लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था काउस से, अब प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस महत्वता शुरू हो गई थी। पहले खेती चलती थी लेकिन अब जो है पशुओं की रियरिंग भी होनी शुरू हो गई। मैन्योर जो खाद आपका होता था वो अब आने लग गया, और बैल का जो देखा गया कि खेतों में कभी कभी तो 24 बैल भी हल चलाते थे, 24 ऑक्सन। तो ऐसी चीज़ें भी थी, राइस, बार्ले, बीन्स, शीशम और वीट कल्टीवेट होते थे। ध्यान रखना वीट है यहाँ पे, वेस्ट नहीं है। हालांकि मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा तो उसमें सारे जो मिसप्रिंट होंगे इनको मैं सुधार के ही आपको PDF प्रोवाइड करूँगा। न्यू ऑक्यूपेशंस लाइक फिशरमैन, वाशरमैन, डोर कीपर्स, ये सब इमर्ज हो गए। ये लेटर वैदिक एज में ही आए थे। स्पेशलाइजेशन बढ़ती चली गई, जैसे जैसे इकोनॉमी में सरप्लस पैदा होना शुरू हो गया वैसे वैसे स्पेशलाइजेशन होनी शुरू हो गई। चैरियट मेकर कारपेंटर में फ़र्क होना शुरू हो गया, यानी चैरियट राजा का रथ जो होता था उसको बनाने वाला नॉर्मल कारपेंटर, इसमें फ़र्क होना शुरू हो गया। दोनों अपने फील्ड में अनुभवी एवं माहिर होते चले गए। अगर मैं मेटल्स की बात करूँ तो वो उसकी नॉलेज और भी एडवांस होती चली गई। टिन, सिल्वर, आयरन तो यहाँ पे जाने पहचाने ही थे, साथ ही साथ गोल्ड का भी यहाँ पे मेंशन किया गया था ऋग्वेदा में अयस नाम के शब्द के साथ। अयस जो था वो ऋग्वेदा में मेंशन एक वर्ड था जो किसी मेटल को प्रतीत होता हुआ दिखाई पड़ता है। अयस मतलब वहाँ पे आप कह सकते हो कि एक तरीके से या तो कॉपर को संबोधित कर रहा था या आयरन को, शायद जहाँ तक है मेजोरिटी ऑफ द पीपल आयरन को ही मानते हैं कि आयस मतलब आयरन था। सबूत ये भी था, एविडेंस वॉज देयर रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इनटू गिल्ड्स, जैसे आजकल ट्रेड एसोसिएशंस नहीं होते वैसे उस टाइम के जो मर्चेंट्स थे उन्होंने अब एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी थी। अब उनको बात रखना अपने समझ में आ गया था अपनी बात कैसे रखनी है। तो इन कॉपरेशंस को गणास भी कहते हैं, श्रेष्ठिन भी कहते हैं। तो प्रश्न अगर परीक्षा में ये आ जाए कि गणास, व्हाट आई मीन बाय गणास एंड श्रेष्ठिन्स इन द वैदिक एज, देन यू कैन से दैट दे आर द कॉपरेशंस ऑफ मर्चेंट्स, दे आर गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसमें जो कल्चर, अगर मैं पोटरी की बात करूँ तो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर चलता था। मैं अगर आपसे पूछूँ कि अर्ली वैदिक एज में कौन सा चलता था तो ओरचे कलर्ड पोटरी चलती थी, इसमें पेंटेड ग्रे वेयर चलता था। धीरे धीरे हम देखेंगे कि पोटरी मौर्या गुप्ता में, गुप्ता तो नहीं लेकिन मौर्या तक आते आते इतनी एडवांस हो गई थी पोटरी कि आप देखेंगे कि इतनी लग्जरियस पोटरी बननी शुरू हो गई थी, जो स्टोर करने के काम तो नहीं आती थी लेकिन सजाने में काम ज़्यादा आती थी। अभी तक पोटरी किस काम आ रही है? आपको पता है हरप्पा जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ की पोटरी डेकोरेटिव और स्टोरेज में दोनों में काम आती थी, लेकिन वैदिक एज में हम देख रहे हैं कि पोटरी अभी जो है स्टोरेज में ज़्यादा काम आ रही है, और डिज़ाइन में भी और डेकोरेशन में भी काम आती थी। लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन इतनी होती चली गई कि पोटरी जो थी वो डिज़ाइन, डेकोरेटिव, डेकोरेशन के लिए जो है यूज़ में आने लग गई। ये कुछ 12 रत्ननाज हैं, यानी 12 ऑफिशियल्स हैं जो उस टाइम थे। मैं आपको बता चुका हूँ अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ ही मंत्रियों का मेंशन है जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट होते थे पुरोहित, ग्रामणी और सेनानी। पुरोहित डोमेस्टिक प्रिस्ट जो कि फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड थे किंग के सबसे ऊपर, उसके बाद आपके सेनानी थे, मिलिट्री संभालते थे, और ग्रामणी आपके हेड ऑफ द विलेज थे। मैंने बताया किस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड में टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ पूरा नॉर्थ। देखो अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यन कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु, पंजाब के आसपास। लेटर वैदिक पीरियड में आते आते वो नॉर्थन इंडिया को कवर करने लग गए, यानी वो साउथ जो मध्य देश, नॉर्थ जो पूरा आर्यवर्त था, नॉर्थन इंडिया, मिडल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया तक जाने लगे, गंगा वैली तक वे शिफ्ट हो गए थे। तो टेरिटोरियल अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो पब्लिक को संभालने के लिए प्रशासन भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। सो टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन, सो फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन देवर द नीड ऑफ मोर ऑफिशियल्स,
और उन ऑफिशियल्स को रत्नीनाश बोला गया है। मैंने आपको बताया कि मिलिट्री ऑफिशियल तो वही रहे, सेनानी और ग्रामणी वहीं रहे, लेकिन जो सिविल फंक्शनरी थे वे बढ़ते चले गए। सिविल फंक्शनरी अर्ली वैदिक एज में केवल एक थे, पुरोहित, और मिलिट्री आपके सेनानी थे और ग्रामीणी आपका हेड ऑफ विलेज था। तो पुरोहित तो लेटर वैदिक एज में भी इम्पोर्टेंस बनाए रखे, लेकिन कुछ सिविल फंक्शनरी बढ़ गए। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे बागदूदा आने, बागदूदा मतलब कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, अक्षवापा कुरियर, पालघाला फ्रेंड ऑफ किंग, गोविकर्ता हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये आना शुरू हो गए। कस्त्रा, इसको कस्त्री भी बोलते हैं, गेटमैन था, चेंबरलन था, संग्रहिती ट्रेजरर, कितना खजाना है वो संग्रहिती का काम था। सेनानी पहले भी था, ग्रामणी पहले भी था और पुरोहित पहले भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे पुरोहित तो पहले ही थे शुरू से, ठीक है। महिषी जो थी वे क्वीन थी, युवराज क्राउन प्रिंस को कहने लग गए, और सुता सर थी रॉयल हराल्ड जो है वो चेरी इसको कहते थे, जो आपके रथ संभालने वाला होता था, राजा के आगे जो बैठता था, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ रथ पे, उसको सता सरथी भी कहते थे। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।